तो दोस्तों, आज भारत के लिए एक और बड़ी और चिंताजनक खबर भारत के पड़ोसी देश चाइना की तरफ से, क्योंकि भारत का एक और मित्र देश बांग्लादेश चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ाने जा रहा है। दरअसल आप सभी को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह से लेकर अब तक दो बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत की यात्रा कर चुकी हैं, परंतु अब वो भारत के बाद चीन की यात्रा पर जा रही हैं, जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक अच्छा मित्र देश माना जाता है, परंतु इस दौरे में बांग्लादेश जो काम करने वाला है वो भारत को हिला देगा। दरअसल आप सभी को बता दूं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का चाइना जाने का एक ही मकसद है कि चीन से ज्यादा लोन लिया जा सके, और यहां पर बांग्लादेश $20 बिलियन का लोन लेना चाहता है चाइना से। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना, स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो जिसमें जानकारी दी गई है कि बांग्लादेश चाहता है कि चीन से $20 बिलियन का लोन अर्जित किया जाए, जिसमें से $15 बिलियन बांग्लादेश अपनी बुनियादी परियोजनाओं के ऊपर खर्च करने वाला है, वहीं पर $5 बिलियन जो बचता है वो चीन से इम्पोर्ट करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से खर्च किया जाएगा, और इसमें बांग्लादेश युआन के अंदर पेमेंट करने में भी सेटलमेंट करेगा, क्योंकि चाइना भी स्थानीय करेंसी में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करने को प्रोत्साहित कर रहा है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह होगी कि बांग्लादेश भारत से एक बड़ा इंपोर्टर होते हुए भी चीन से भी भारी भरकम मात्रा में माल खरीदता है, क्योंकि चाइना कभी कभी भारत के माल को पछाड़ने के लिए बांग्लादेश को भारी भरकम डिस्काउंट दे देता है, जिसके कारण से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चाइना से इम्पोर्ट भी करना चाहती है, साथ में चीन के साथ अपने बुनियादी परियोजनाओं को लेकर समझौता भी करना चाहती हैं। परंतु शायद बांग्लादेश ने नेपाल से कोई सबक नहीं लिया है, क्योंकि नेपाल को जो लोन चाइना की तरफ से दिया गया था उसमें काफी ज्यादा हेराफेरी हुई और चाइना की तरफ से ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। हालांकि बांग्लादेश का हाल चाइना के द्वारा क्या किया जाता है यह तो बाद में ही देखने को मिलेगा।